हुकूमत की जानिब से 50 रुकनी वफाकी काबीना में 19 मावनीन खुसूसी के असासे जाहिर कर दिए गए हैं। मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से तनकीद की जाती है कि ये 19 गैर मुंतखब मावनीन खुसूसी सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और इन ताकतवर लोगों के फ़ैसलों की वजह से तहरीक इंसाफ को आज तनकीद का सामना है, क्योंकि नॉन इलेक्टेड हैं और इन्होंने अवाम को फेस नहीं करना होता, इसलिए इनके फ़ैसलों की वजह से आज पाकिस्तान में बिजली महंगी, आटा नायाब, चीनी महंगी, पेट्रोल नायाब, ये सब गलतियों के ज़िम्मेदार मुंतखब नुमाइंदे इन अफराद को ठहराते हैं। इन 19 अफराद में से 4 अफराद ऐसे हैं जो कि दोहरी शहरियत रखते हैं। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अवामी ओहदों पे पब्लिक ऑफिस होल्डर दोहरी शहरियत के हामिल नहीं हो सकते। सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 2 सेनेटर्स की रुकनीत ख़त्म कर दी गई, चूँकि वो दोहरी शहरियत के हामिल थे, सादिया अब्बासी और हारून अख्तर, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ था। फैसल वाडा साहब का भी केस अभी पेंडिंग है, जिसमें उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि इलेक्शन लड़ते वक्त उन्होंने अपनी दोहरी शहरियत को छुपाया था और उस वक्त वो गैर मुल्की शहरी थे। अब इन लोगों के बारे में एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये गरीब मुल्क के अमीर नुमाइंदे हैं जो कि वफाकी काबीना के अंदर बैठे हैं। ये अरबपति हैं, ये करोड़पति हैं। इन लोगों में से कोई भी एक ऐसा शख्स नहीं है कि जो मिडिल क्लास का नुमाइंदा हो, जो लोअर मिडिल क्लास को, जो गुरबत के मायनी जानता हो, जो बेरोज़गारी के मायनी जानता हो, जो महंगाई के मायनी को समझता हो। ये अरबोंपति लोग हैं। अरबोंपति होना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से है कि ये जो नदीम बाबर साहब हैं, ये जो अब्दुलरज़ाक दाऊद साहब हैं, ये जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब हैं, जिनको IMF का नुमाइंदा कहा जाता है, जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि ये हुकूमत में बैठकर इस किस्म के इकदाम करते हैं जिस पे इनके ऊपर मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगते हैं कि अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इसका बेनिफिशरी नदीम बाबर बनता है, मुबैना तौर पर अगर बिजली महंगी होती है तो इसका बेनिफिशरी नदीम बाबर बनता है। अब दूसरी जानिब अपोजिशन की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि दोहरी शहरियत के हामिल लोगों से इस्तीफ़ा लिया जाए। बड़ी अच्छी बात है, इस्तीफ़ा होना चाहिए, लेकिन एक और भी बात बताता चलूं कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान सिर्फ दोहरी शहरियत वालों से नहीं है। इस मुल्क के अंदर वो मुंतखब लोग जिन्होंने अवाम से वोट लिए, वो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठ के अकामा होल्डर था, बेटे की कंपनी के अंदर मुलाजमत कर रहा था, ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर होकर अकामा लेके बैठे हुए थे, एहसन इकबाल साहब वज़ीर होकर मुलाजमत कर रहे थे अकामा लेकर, और तो और मुंशी इसहाक़ डार साहब मोहतरम जनाब, वो वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान के, वो भी अकामा होल्डर थे। आप सोचें कि एक इस मुल्क की वफाकी काबीना में बैठकर बैरून मुल्क लोग नौकरियां कर रहे थे। तो आज इमरान ख़ान साहब को बड़ी तनकीद की जा रही है कि उन्होंने अपनी काबीना के अंदर अरबपति लोगों को रखा हुआ है, ऐसे लोगों को रखा हुआ है जो गैर मुल्की कुव्वतों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानेब इमरान ख़ान जो कि एक शफाफियत की जानिब उसका एक अच्छा इकदाम है, आप इस दौरी शहरियत के ऊपर तनकीद कर सकते हैं, बट वो ये जवाब दें आके आज सबसे पहले कि उनकी क़यादत पाकिस्तान की काबीना में बैठ के बैरून मुल्क मुलाजमतें क्यों कर रही थी और कैसे कर रही थी और किस मुँह से आज वो इनसे इस्तीफ़े मांग रहे हैं। अब दूसरी जानेब ये जो अरबपति लोग हैं, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है इन 4 लोगों के लिए। वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर नौकरियां मिली हैं और बड़ी अच्छी उमदा नौकरियां मिली हैं, वरना किसी पाकिस्तानी को नौकरी नहीं मिली। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा तारीखी फ़ैसला है दोहरी शहरियत के हवाले से, जिसमें वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अवामी ओहदे के ऊपर या किसी भी सरकारी ओहदे के ऊपर ऐसे शख्स को नहीं लगाया जा सकता जो दोहरी शहरियत का हामिल है, क्योंकि मफादात का टकराव है और रियासत के राज को तहफ़ देने के लिए ज़रूरी है कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ हो। और इसी मुकदमे के अंदर एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ था, और वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर 1000 से ज़ायद ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो दोहरी शहरियत के हामिल थे, और 1000 से ज़ायद ऐसे सरकारी मुलाजिम थे जिनकी बेगमात दोहरी शहरियत की हामिल थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पे 2018 के अंदर 2 रास्ते दे दिए,
या तो वो अपनी दोहरी शहरियत को छोड़ दें या वो अपने सरकारी ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं या हुकूमत उनको अलहदा कर दे और निकाल दे। तो ये प्रेसिडेंट बकायदा तौर पर मौजूद है। लेकिन एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि गैर मुंतखब होने का मतलब ये नहीं है कि वो अहलियत नहीं रखते, वो काबिलियत नहीं रखते, या सिर्फ मफादात का टकराव है या अमीर होना जुर्म है। पाकिस्तान के अंदर वो सियासतदान, वो अक्सरियती सियासतदान, उनकी परफॉर्मेंस को भी एवेलुएट होना चाहिए, उनकी लॉयल्टी को भी एवेलुएट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान से कितने मुखलस हैं। वो जो 342 आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, जो अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, जो मुलाजिम हैं शरीफ ख़ानदान के, जो मुलाजिम हैं जरदारी ख़ानदान के, जो मुलाजिम हैं इमरान ख़ान की शख्सियत के, शख्सियत परस्ती का शिकार हैं, वो पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनकी डिलीवरी क्या है? क्या वो अपनी ज़ाती जेबें नहीं भर रहे? क्या इस मुल्क के अंदर जो वफाकी काबीना में मुंतखब लोग हैं जिनके महज बयानात की वजह से PIA को अरबों रुपये के लॉस का सामना करना पड़ता है, जिनकी बिजली पानी गैस पेट्रोलियम पॉलिसीज़ की वजह से अवाम का जीना दोबर हुआ, क्या वो पाकिस्तान से लॉयल है? और उससे बढ़ के आपके सामने क्लासिक एग्जांपल शरीफ ख़ानदान की, जरदारी ख़ानदान की, कि ये पाकिस्तान थे, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में रहे लेकिन लूट कर पैसा बैरून मुल्क ले गए। अब खान साहब के ऊपर एक और बर्डन भी है कि ये जो अरबोपति लोग हैं जिनके असासे बैरून मुल्क मौजूद हैं, खान साहब ये कहते थे कि अपने पैसे वापस लेकर आओ, इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करो, तो एटलीस्ट आज उनको इस चैरिटी का आगाज़ अपनी काबीना के लोगों से करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि भैया आप अपने पैसे वापस लेकर आएँ ताकि इस मुल्क के अंदर रोज़गार जनरेट हो, इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाई जाए। अगर ये लोग रियासत के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो एक आम आदमी कैसे ट्रस्ट करेगा, एक आम आदमी कैसे डिलीवर करेगा? तो आई थिंक इस पूरी बहस के अंदर एक और चीज़ हमें गौर करना चाहिए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो बेचारे रोज़गार की गरज से बैरून मुल्क मुलाजमत कर रहे हैं, मजबूरन गए हैं, दुखी दिल के साथ गए हैं, इन मुहिब्बे वतन सियासतदानों की वजह से जो एक ही शहरियत रखते हैं, इनकी नाहली और नलायकी की वजह से उनको मुल्क छोड़ के पराए मुल्क में परदेश जाना पड़ा है मुलाजमत की खातिर, मजदूरी की खातिर, हम उन्हें डीग्रेड ना करें, हम उनकी लॉयल्टी के ऊपर रियासत के साथ शक मत करें। एक थोड़ा सा हमें फ़र्क भी क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, रियासत से हल्फ़ के अपने तकाजे हैं, उन तकाज़ों को पूरा करें, मगर गैर मुल्की शहरियत या दोहरी शहरियत इख्तियार करने से उनकी पाकिस्तानियत, उनकी हुब्बुल वतनी, उनकी ईमानदारी और उनकी काबिलियत को क्वेश्चन मार्क नहीं बनना चाहिए। उनको वोट का हक भी मिलना चाहिए, उन्हें इलेक्शन लड़ने की भी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अभी इस मुल्क के अंदर डिबेट हो रही है। और ये भी एक एवेल्यूएशन के जो लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, जो लोग अवाम से वोट लेकर आते हैं, वो कितने अवाम के दुख दर्द के ऊपर यकीन रखते हैं। 70 साल की हालत आपके सामने है और ये जो चार गैर मुल्की लोग आ गए हैं, दोहरी शहरियत के हामिल आ गए हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ये कितने लॉयल हैं, ये कितने संजीदा हैं और ये कितना डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान को? इस बहस को भी हमें एवेल्यूएट करना चाहिए और एब्सोल्यूट तनकीद की बजाय इमरान ख़ान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट 5 साल के बाद हम ये तो एवेल्यूएट कर सकेंगे कि इस मुल्क में इक्तदार की कुर्सी पर बैठ कर नदीम बाबर के असासे इक्तदार में आने से पहले क्या थे, रज़ाक दाऊद के असासे, अब्दुलफीज़ शेख के असासे, और इक्तदार से जाने के बाद इन्होंने कितनी दिहाड़ी लगाई है, जायज़ तरीके से पैसे कमाए हैं या किकबैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इन्होंने भी पैसा कमाया और रियासत को लूटा है। तो आई थिंक इमरान ख़ान का एक अच्छा इनिशिएटिव है, बट दोहरी शहरियत कोई ये सर्टिफिकेट नहीं है कि वो पाकिस्तान से गद्दार ही होगा, या अगर वो पाकिस्तान का शहरी है तो एब्सोल्यूट रियासत के साथ लॉयल होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी हमें पर्सन टू पर्सन वेरी करने की और चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और 70 साल के सियासतदान और उनकी लॉयल्टी इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।